का कोई सामान नहीं बचा है, सबका सामान उसी घर में फंसा है। सिर्फ ये बचा है बर्तन और खाने पीने वाला सामान सब लेकर आए हैं, और फिर भी जो जरूरत पड़ती है सब लोग नाई से जाते हैं। ठीक, नाई बुड़ जाए तो क्या मिलेगा? उसका घर यहाँ है कि वहाँ है? मुस्कुरा कर चाची जो है, इनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है लेकिन बोल नहीं रही है। पंडिता अनलबत के कर के ना देखा, का दाल बनाता, चावल बनाता, सुखा खाता, के लिट्टी लगा खाता, बनाना सब लिट्टी लगा लगा कठारा दही खाता। का नहीं हमसे नहीं गई चाची लोग मजाक कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर का गांव पानी से लबालब है, कहर रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी जब हम यहां पे खड़े थे और यहां के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम तो किनारे पे हैं, गांव के अंदर जो लोग हैं उनका घर बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से रोड के किनारे लोग रह रहे हैं। एक चाची थी, वो बोल रही हैं कि ले जाने के लिए अंदर, लेकिन बहुत से लोग हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि पानी की लहर काफ़ी तेज़ है। अब बात ये है कि ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, अगर नाव पलट जाती है या कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं आएगी। पत्रकारिता भी वहीं तक थी। क्या चाचा, तो जाइए आप बैठ के जाइए, मेरा काम करने दीजिए। चाचा क्यों चिल्ला रहे हैं? चाचा काम कर लेने दीजिए, तो शांत रहेंगे तब तो करेंगे। रुक जाइए चाचा, रुक जाइए। हाँ चाचा देसी बोल रहा है, चाचा नहीं बोल रहे हैं। नाव की कंडीशन भी दिखा देना। अब आपको एक चीज मैं दिखा दूँ, इस नाव के अंदर खुद ही पानी आ रहा है, देख लीजिए, नाव के अंदर पानी भर रहा है। ये भी खतरनाक ही है। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गांव में कम से कम नाव देखने को मिला। अभी कल जिस गांव में गए थे वहां पर नाव तक नहीं था, महिलाएं खुद घुटने के ऊपर तक साड़ी उठाकर जो है अपना राहत पैकेज लेने जा रही हैं या दवा के लिए जा रही हैं, इन सारे चीज़ों के लिए जा रही थी। यहाँ पर नाव की कंडीशन बहुत ख़तरनाक है, पर खुशी की बात है कि नाव तो है कम से कम। अभी यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हुक्मरान की नींद टूटी या नहीं, कितनी सुविधाएं इन लोगों तक पहुंच पाई राहत पैकेज के नाम पर। क्या वही भूजा बिजली देकर इनको भुलवाने की कोशिश हो रही है या कुछ अच्छा काम हो रहा है? क्या चाची, क्या क्या राहत सामग्री आप लोगों तक पहुंची है ये बताइए। मिला है राशन, मिला है शाम को, आज मट्टी तेल मिला है 1.5 लीटर। राशन में क्या क्या मिला? राशन हर चीज, मसाला है, तेल है, साबुन है, नमक है, हल्दी है, मर्चा है, चावल है। अच्छा, इतना दाल कुछ मिला, चल जाएगा मतलब राशन? हाँ, हाँ, एक महीना चल जाएगा, जो कोई ढेर पलवार हो उसका घर नहीं चलेगा। 10 किलो चावल 10 किलो आटा, 2 किलो चावल 10 किलो आटा, 2 किलो चना, 2 किलो दाल, मट्टी तेल 1.5 लीटर, मोमबत्ती, सलाई, बिस्कुट, साबुन, ये कुल मिला। चल जाइए एक महीना, दू परानी है ओकरे चल जाई, आज एकरे 10 ठो है त कैसे चली, बहुत से 10-20 किलो में क्या दिन खाई? माला 10 किलो चावल 10 किलो आटा जेकरे 10 परिवार है क्या दिन खाई? माला 2 दिन चाची कहते हैं जेकरे ढेर परिवार बा ओके ढेर मिलता ना, एक बराबर सब गत्ते में मिले ना, हां एक बराबर बेटे हैं तो दो पई हैं, जेकरे एक है एक पई है, जेकरे चार हैं चार पई हैं। क्या क्या कह रही है? एक बराबर सबके मिले ना, जेकरे परिवार ही ढेर होकर सबके उन। अच्छा, हां तू तो चाची नया नया लुग्गा पहन ले, बाहर से तुके कोनो असर नहीं पड़ा था, नाते बाते में से आई लिए है। अच्छा। और पानी भरल बा कैसे बचा के आई लिए है? हां घूमे गेल ले, हां बाढ़ बा एकदम, ओ बाढ़ बा बहुत काफी। अच्छा, हर साल ये यहाँ बाढ़ आ जाला चाची की? हर साल आज, हाँ है, पूरा सब पूरा समुद्र बीच में गाँव है, हमारे घर द्वार सब भाई भाई आके खरीफ सब आए सब बढ़िया बा एकदम। पानी में घर मन का बुगल जानवर उनवर के कैसे खाना दिया थी? भूसा उसा दिया ला, हाँ और वही और बाटे हमारे भूसा उसा गोईठा उठा लकड़ उकड़ी सब बह गए, सब बह गए, एक को ढो नहीं मिलल, कैसे ढोआ सब बह गए, इतना पानी हो गया। अच्छा ये बताओ, अचानक पानी आयल कि धीरे धीरे बढ़ा था? जैसे बहुत ज्यादा, जैसे माला रात में आयल पानी, वहाँ पानी बा यहाँ सुतल बा सब रात भर में चौकी तरे आ गए पानी, सवेरे हो तो भागे लगल गए वहाँ से, बहुत तेज आए थे पानी, बहुत सामान पानी नुकसान, हाँ बहुत सामान नुकसान होगा, जैसे केहू केहू ढेर सामान नुकसान होगा, केहू ढो पौल केहू नहीं ढो पौल। गर्मा में जो टीवी उवी
कुल होई उ कुल का भइलो। अरे का भइलो नाइ ढो पैसा बह गए वही में बह गई हम रह गए चौकी रह बह गए मट्टी ना को बोलो यार रुपया ए चाची मान ला जेकर घरे बीच में होई ओकर त कुल सामान डूब गइल होई नाइ से और उठा के यहां पे आइल है ऊंचे पे हां और भूगल गइल बा सब क्या कह रही है और सब कुछ वहाँ डूब रहा है। हाँ बर्तन बर्तन खाने पीने के लिए आया है और सब कुछ वही गेहूँ चावल दाल जेकर बात सब वही बुरा था सब सब भूसा उसा सब बुरा था भूसा में जरना बर्तन भी बचा है क्या? किसी का कोई सामान नहीं बचा है सबका सामान उसी घर में फंसा है सिर्फ ये बचा है बर्तन और खाने पीने वाला सामान सब लेकर आए हैं और फिर भी पर जो जरूरत पड़ती है सब लोग नाई से जाते हैं ठीक नाई बुड़ जाए तो क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा और तो जिंदगी बर्बाद बच्चे की होगी और जो लोग है उसका भी होगा यही प्रॉब्लम है ये सब यहाँ पर चाची कब्बो कौन साल बाड़ी में केहू ऐसे डूब गई ऐसा पुलिया बड़ा भाई पुलिया के ऊपर पानी बहता है भाई क्या बात है पुलिया ऊपर पानी बहता बड़ा ऊंच रहा है हां हमने पर पानी पर बहत वहां बहत है का वहां बहत है एकदम का करें सब अपना फरा मारा था बहुत ही वो तो अपना तो बा और टीवी भी कुल तो बेकार हो जाई जेकरे घरे टीवी भी हुई होकर तो बेकार हो जाई तो सभी बेकार हो गया सब मनो को सब बेकार कोई नहीं कुछ चल रहा है चाची हर साल ये बाढ़ आवेला तो सरकार लोग मदद नहीं करता हर साल भाई ये बाटला थोड़ा थोड़ा खकारा सब्जी वाला घर में राशन पता ही मिल जाला मनो थोड़ा बहुत ये हो चावल हां थोड़ा बहुत मिला ना हम सब मारा जी बच्चे ना हालत में आप बताइए चाची आपका घर यहाँ है कि वहाँ है मुस्कुरा कर चाची जो है इनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है लेकिन बोल नहीं रही है घर दुआर कुछ नहीं बा मन के घर दुआर नहीं तो आन के घर है बाटी अमन का जौन बात बूढ़ी गए वही आयल नहीं रहने का इतना नेता लोग घूमत आटे अरे तो अमन के नाइन मिलल बा नेता लोग एक काहे भर के बाटे देख देख चलते रहा था नेता लोग खाली काहे बाटे वो बोला नहीं तो काहे तू लोग उनके ढूंढकी आवत हो भाई बोले ना आवत हमें सरकार दुआरे से आपस चल जात हमें हे नाइन देखे आवत हमें कि का हो जब घूम के हल के देखता तब न जानते धारा में हम चल जाते नदी बही बही ज्यादा सीधा धारा मारता अमन के सब कुछ मिला है मिल तो चला जाए झुरवावल जाए जोन जब सब भूसा भग निकला था भूसा बह जाता चौगन के खाए वाला सब बह जाता झूठ बोलने का सब दियात नहीं है का तब प्रधान दिया था सत्तर सहाई दिया था टैके दिया था हमार सत्यम सहानी हमें दिया था हमें प्रधान भाई ने हमें ऐसा नवा और कब वही चल जाएगा हाँ हाँ हमार चल जाएगा जेकरे ढेर पर आनी हुई उनका का उन हो क्या लता हाँ चल का हाँ गई ललुका देख हाँ आप देखे गजल ही है हाँ सबका ये चाची देखा ही हाई चाची सबका घर निहारे नहीं जा जाए जब सबका घर निहार ना आई सब चीज आवा तब निहार ना आई हाँ रोज जालू देखे हम देखी ना सब कर देखा था गांव का रीति अपने जब घर है पन्नी तो अनलबत के कर के ना देखा का दाल बनाता चावल बनाता सुक्का खाता के लिट्टी लगा खाता बनवा सब लिट्टी लगा लगा कठार अंदर खाता और वो घर वो मोल का मिला था कहाँ मिला था पूरी सब 20 रुपया बारिश में कुल 20 रुपया गोहरा मिला था अरे बाप तब जाकर वही कान के आए ललकनिया आटा उटा दो चार मनाई देख चल गए ना कहने हमसे नहीं गए चाची लोग मजाक कर रही हैं करें भी क्या परिस्थितियों से लाचार हैं जा देखा वो हमर क्या दिखाई तो के नाम पानी बाटिया बात का हम जाए देखे जब तू खुश बाटू था तू ही तो कहा अबे चाची का तनी हमार कुल चल जाता है हमें कोनो दिक्कत ना है बताइए का के रोई अबे हाई बताइए सर हमर वॉइस को सब बहुत ना का करे बताइए सब गोरु बछाई बहुत आटे जन बा दाल भात मत खा तटी आराम से का करिए देखा देखिए पहले गोरु देखिए पहले देखिए घी जाए क्या देखिए हमारा देखिए हमारे भाई सिया गोरु हमें देखिए मेरा मन तो था कि मैं गांव के बीच में जाकर अपनी पत्रकारिता का परिचय दे पाऊं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि चाची लोग बता रही हैं कि कमर से ऊपर तक जो है वो पानी बह रहा है तो ये बहुत खतरनाक है और घर सबके हाँ आगे आके पीछे गए यहाँ पानी आए देखा रात में कुछ कम है देखिए सब गोर बछाओ देखिए खाए बिना मरत है देखिए भाई राहत पैकेज के नाम पर जो सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हूं मैं तो बस इतना पूछ लेना चाहती हूं कि जब हुक्मरानों को ये पता है कि इस गांव में हर साल या एक साल के अंतराल में बाढ़ आ जाता है तो उसके निदान पर क्यों नहीं काम हो रहा है दो तीन चाचियों से बात की मैं पूछी कि चाची हर साल ये बाढ़ आ जाता है तो कह रही हाँ आ ही जाता है उन लोगों की
आदत है या मजबूरी है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर सोचिए कि जिसके घर में जिसकी बेटी की शादी होगी, जिसने पूरी तैयारी की होगी और वो सारा सामान अगर पानी से बह गया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा और उसकी मनोस्थिति क्या होगी, कितनी पीड़ा होगी उसके मन में, और वो कैमरे पर आकर बोल भी नहीं पा रहा होगा, क्या बोलेगा वो जानता है जब उसकी स्थिति यही है। अभी ऐसी कोई महिला तो मुझे नहीं मिली जिनके घर की जिनके घर में उनकी बेटी की शादी थी और सारा सामान बह गया, लेकिन स्थिति यहाँ पर भी नाजुक है। अभी आपको और भी जगह दिखाएंगे। बाढ़ का हालत इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्थिति गोरखपुर की है और यूपी में चुनाव है। जब चुनाव के समय में इन लोगों की सिसकियाँ सरकारों को नहीं सुनाई दे रही हैं तो चुनाव के बाद में क्या ही आलम होता होगा। दावा ये किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि यूपी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, और ख़ासकर गोरखपुर तो चमचमा रहा है। उसी चमचमाहट में आपको दिखाने आए हैं इन लोगों की परेशानी। लोग अपना घर छोड़कर रोड के किनारे पल्ली टांग कर अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोच कर देखिए कि जिनका घर परिवार डूब गया होगा, जिनका सारा सामान पानी में बह गया होगा, वो लोग सरकार को कितनी दुआएं दे रहे होंगे। चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी ने भी ठीक तरीके से काम नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाता है। एक ही गांव में नहीं, तमाम गांव में ले चलेंगे आपको। ज़मीनी हकीकत दिखाने की जिम्मेदारी भी है और मेरा वो काम भी है, तो वो बखूबी करूँगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।